सारे ग क्या आपके गुरुजी ने भी स्वरों के उच्चारण का एक सही तरीका बताया आपको? जी हाँ, स्वरों के उच्चारण का एक तरीका होता है, टेक्निक होती है। आपके स्वर यदि सही नहीं लग रहे हैं, तो यदि आपने ये टेक्निक नहीं सीखी होगी तो आपके स्वर कैसे सही लगेंगे? दोस्तों, यदि आपके गुरु ने बताया है बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा मैं बता रहा हूँ एक तरीका कि आपके स्वर जो सही नहीं लग रहे हैं वो किन मिस्टेक के कारण नहीं लग रहे हैं। आज मैं स्वरों को कैसे बोलना है और किस स्वर को नाक के सहारे से बोलना है, किसको तालु के सहारे से बोलना है, किसको गले से बोलना है, किसको दंत के सहायता से बोलना है, ये तरीका मैं बताऊंगा। और ये तरीका यदि आपने सीख लिया, सातों स्वर को मैं बोलना बताऊंगा, सात जो अपने नोट्स हैं वो कैसे बोले जाते हैं, फिर उसके बाद में आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी। अभी आप बोलते होंगे, पता नहीं किस स्टाइल में बोलते होंगे। देखिए, पहला स्वर मेरा होता है सा रे ग म प दोस्तों, यदि आपका स्वर के उच्चारण करने का तरीका, बोलने का तरीका सही नहीं होगा तो आपका स्वर कभी भी सही नहीं लगेगा। इस ट्यूटोरियल में मैं आज आपको यही बताऊंगा एक बार कौन सा स्वर बोलना है, तो आपको किस स्टाइल में बोलना है, और आपके मुखार बिंदु के कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो उसमें मदद करते हैं, तभी स्वर सही निकलता है और कम्प्लीटली लगता है। पहला स्वर हमारा शाह है, सड़ज, और सड़ज यदि सद गया, शाह सद गया, तो ये रे गामा पादानी अपने आप ही स्वतः ही अपने जगह पर लगने लगते हैं। तो पहला यदि हम शाह बोलेंगे उसको पेट से बोलिए, नाभि में हरकत होनी चाहिए, आपको महसूस हो कि नाभि से आवाज पैदा हो रही है और आपके हृदय से होते हुए गले में आ रही है, तो गला यानी कि कंठ पूरा खोलना है, कंठ से बोला जाएगा सा सा ऐसी स्थिति में इसके उच्चारण करते समय आपका मुंह खुला रहता है सा, तो ये तो आपका शाह सही लगेगा। अब जब रे बोलेंगे तो देखना, सा के बाद शा रे, जब आप रे बोलें कभी भी तो रे में कंठ पूरा यानी कि जो सा में हमने गला खोल के रखा था कंठ उतना नहीं खुलेगा, रे जब हम बोलेंगे तो रे में कंठ खुला रहेगा और उसके साथ में तालु का सहारा लेना पड़ेगा हमको, तभी वो स्वर कंप्लीट लगेगा। जैसे सा रे, जो हमारे तालु होते हैं उनका सहारा लेंगे तो सही लगेगा। उसके बाद में सा रे ग, गा स्वर भी ग, कंठ खुला होना चाहिए, कंठ से निकालना है, और कोई हमारे किसी शरीर के पार्ट का, मुख के किसी भी पार्ट का की हेल्प नहीं लेनी इसमें। सा और गा कंठ से बोले जाएंगे सा रे गा,
कंठ खुला हुआ होना चाहिए जब हम बोलते हैं। उसके बाद जब हम माँ बोलेंगे सा रे गा मा, अब आप जब भी माँ का उच्चारण करें, जब भी माँ बोले तो माँ को बोलते समय आपके जो लिप्स होते हैं, होठ होते हैं, होष्ठ भी बोलते हैं उसको, होष्ठ यानी कि जो होठ होते हैं, होठ प्लस नाक का सहारा लेना है। बिना नाक के सहारा लिए आप इसको तरीकेबद्ध नहीं बोल सकते, उच्चारण नहीं कर सकते, आपका स्वर कहीं ना कहीं चूक जाएगा। सा रे ग मा। अब यदि मेरी बात आपको समझ में नहीं आए, विद्वानों ने जो फॉर्मूला बताया, मेरे गुरु ने मुझे बताया, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ ये फॉर्मूला। तो माँ जब बोलेंगे हम तो होठ हमारे और नाक का सहारा लेना पड़ेगा, और उसके बाद में जब हम पा बोलेंगे तो पा हम होठ से बोलेंगे, लिप्स से बोलेंगे, लेकिन इसमें नाक का सहारा नहीं लेंगे। सा रे ग मा पा। तो ये आपका स्वर पा भी सही लगेगा। पा के बाद प ध, और जब भी धा बोलेंगे तो धा दंत स्थान से, और जब हम नी बोलेंगे प ध नी, जब हम नी बोलेंगे तो दांत का सहारा प्लस हमें नाशिका की मदद लेनी पड़ेगी, यानी कि नाक से मिलकर के और दांतों से मिलकर के ये नी स्वर बनता हमारा निषाद, और फिर ये तार सप्तक का शाह आ गया, जैसे पहला शाह बोला था वैसे ही है। तो दोस्तों एक बार फिर से देखें, जब हम षड्ज बोलेंगे यानी शाह बोलेंगे तो हमें कंठ से निकालना है सा रे, और जब हम ऋषभ बोलेंगे यानी रे तो कंठ और तालु की मदद लेनी पड़ेगी, ग और गा गंधार बोलेंगे तो हम उसको वापस पुनः कंठ से बोलेंगे। तो ये हमारा मध्यम था सा रे ग मा। जब हम मध्यम को उच्चारण करेंगे अर्थात माँ को, तो हमें अपने लिप्स होठ यानी ओठ, तो हमें अपने लिप्स अर्थात ओठ और नाशिका की मदद लेनी पड़ेगी। इसके बाद में आता है पंचम प। पंचम को बोलते समय हमें होठ का सहारा लेना चाहिए धा, और हम जब धा बोलेंगे धैवत तो हमें दंत स्थान का सहारा लेना चाहिए। उसके बाद नी, और नी अर्थात निषाद बोलते समय हमें दंत और नाशिका की मदद लेनी पड़ेगी सा, और ये पुनः शाह आ गया। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ट्यूटोरियल बहुत लाभकारी होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि नहीं